हे एवरीवन, स्वागत है सबका एक और चाइनीज ट्रामा एक्सप्लेनेशन में। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जेंग की लाइफ देखते हैं, जो कि बहुत ही बुरी है। वो प्रेग्नेंट है और उसकी सासू मामू उसे बहुत बुरी तरीके से बिहेव कर रही थी। अपने हस्बैंड हो के लिए खाना बनाने के लिए बोलती है। बेचारी जेंग परेशान थी, ऐसे प्रेगनेंसी की कंडीशन में उसे घर का सारा काम करना पड़ता है। वो यहाँ पर हुआ से कंप्लेन भी करती है तो वो अपनी मोम का सपोर्ट करते हुए कहता है, यार तुम्हारे लिए ही कह रही है ना, घर पे बैठी बैठी क्या ही करोगी, घर के कुछ काम कर लिया करो। दूसरी साइड वो की मोम अपनी बेटी से बात करते हुए कहती है फ़ोन पे, तुम भी यहीं पर आ जाओ, तुम भी तो प्रेग्नेंट हो ना, जेंग सब कुछ संभालेगी। जेंग अपने सासू मोम से कहती है वो और काम नहीं कर सकती है। उसकी सासू मोम उसे कहती है, घर का खाना खा खा करके मोटी हो गई हो, घर के काम किया करो। जेंग इस बात को लेकर के वो को कंप्लेन करने के लिए जाती है तो वो नोटिस करती है कि वो परफ्यूम लगा करके ऑफिस जा रहा है। यहाँ पर वो हुआ को कहती है, तुम इतना सजेस करके कहाँ जा रहे हो। वो उसे कहता है उसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलना है। जेंग के मन में सोचती है कि ये जरूर ही उसे धोखा देने के लिए जा रहा है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, मैं इतने मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ और तुम मुझ पर डाउट कर रही हो। जेंग उसे कहती है कि नहीं, मैं डाउट नहीं कर रही, बट तुम्हारा बिहेवियर बदल गया है। मैं हमेशा अब घर पर रहती हूँ और तुम बाहर जाया करते हो, मुझे लगता है कि तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। अगले दिन वो अपनी मम से बात कर रहा था। वो एक्चुअल में जेंग के मॉम डैड का जो अंतिम को जायदाद बाकी था वो उसको लेने के इरादे में था। दूसरी साइड एंट्री होता है गुजियान का। गुजियान को उसके रिलेटिव और उसके अंकल कहते हैं, जेंग नाम की मेरी बेटी को ढूंढ कर लेकर के आओ, बचपन में वो किडनैप हो गई थी। गुजियान अपने अंकल से कहते हैं कि ठीक है, वो भी इसी शहर में है, जल्द ही उसे ढूंढ लेगा। और वो कोई और नहीं, यही जेंग होने वाली थी। जेंग को कार में प्रोटेक्शन मिलता है अपने हस्बैंड के। अब वो समझ जाती है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। वो हो को कॉल करती है, वो फ़ोन नहीं उठाता है, लेकिन कार के डैश कैम से उसका पोल खुल जाता है। वो गुस्से में जाकर के ऑफिस के सबके सामने वो को थप्पड़ मारने लगती है कि वो उसे धोखा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर इन चक्करों में जिनको चोट लग जाता है, अब वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। वो प्रेग्नेंट थी, डॉक्टरों से कहते हैं जिन का ख्याल रखना होगा, वो को उसे मेंटल टेंशन नहीं देना होगा। वो को अभी जिन से काम था, वो उससे उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहता था, इसीलिए अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। जेंग काफ़ी इमोशनल थी, वो हु को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, सोचती है कि शायद ही सुधर जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर उसे उसकी मिस्ट्रेस मिली का मैसेज आता है, वो भी हु की बेबी को लेकर के प्रेगनेंट है। अब हु को जल्द से जल्द जेंग को अपने लाइफ से निकालना होगा। अगले कुछ दिनों तक वो जेंग के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है। एक दिन वो उसे कहता है, तुम्हारी मॉम डैड की जो निशानी है वो मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। जेंग उसे देने से मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, वो मेरी मॉम डैड की निशानी है, वो मेरे और मेरे बच्चे के लिए है। तभी यहाँ पर वो को मिले का कॉल आता है। वो साइड में जाकर उसे बात करता है। मिले उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जल्द से जल्द जेंग को अपने रास्ते से हटाओ, उसे डाइवोर्स दो, नहीं तो फिर मैं ये बेबी एबॉर्ट करा दूंगी। वो का दिमाग में सैतानी प्लान चल रहा होता है। वो बात करने के बाद जेंग से बात करने के लिए जाता है। उसे कहता है, काफ़ी दिनों से मैं तुम्हें कहीं बाहर डिनर डेट पर नहीं लेकर के गया हूँ, चलो हम लोग कहीं बाहर घूम के आते हैं। यहाँ पर जेंग उस चीज़ के लिए मना कर देती है। वो कहती है, नहीं हमें थोड़े पैसे बचाने चाहिए, कुछ ही दिनों में मेरा बर्थडे आने वाला है, उस दिन हम लोग चलेंगे। वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। दो दिनों बाद जेंग का बर्थडे था। वो उसे फ्लावर बुके वगैरह देता है और फिर वो दोनों बाहर वहाँ से घूमने के लिए जाते हैं। जेंग को पता नहीं था कि उसके साथ क्या बुरा होने वाला है। वो उसे एक बाहर पहाड़ी किनारे पर लेकर के जाता है और इधर दूसरी साइड जेंग को ढूंढते हुए गुजियान उस घर पर आता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। दूसरी साइड जेंग को वो उस पहाड़ी पर लेकर के जाता है। फोटो खींचने के बहाने वो उसे वहाँ से धक्का दे देता है। जेंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और लुढ़कते लुढ़कते उस पहाड़ी के पीछे पहुँच जाती है। वो को तो लगा था कि शायद वो मारी गई और वो उसे वहीं पर मारने के लिए छोड़ करके चले जाता है। लेकिन थैंकफुली गुजियान यहाँ पर जेंग को बचा लेता है, उसे हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। कुछ दिनों बाद जेंग को होश आता है तो उसके फेस पर इस तरीके से बैंडेज लगे हुए थे, उनके बेबी को ये लोग नहीं बचा पाए थे। डॉक्टर जेंग को काम डाउन होने के लिए कहते हैं। इधर वो पूरा ड्रामा कर रहा होता है कि उसकी बेबी का एक्सीडेंट हो गया, वो प्रेग्नेंट थी। उसे बचा लेने के लिए पुलिस वालों को और सारे रिपोर्टर्स को यहाँ पर वो के इस ड्रामा पर बिलीव भी हो जाता है।
जिन जब अगली सुबह ये न्यूज़ देखती है तो उसके मन में काफी गुस्सा आ रहा था। वो फू से बदला लेने का ठान लेती है। तभी वहां पर गोजियान आता है। गोजियान कहता है, मैंने तुम्हारी ही जान बचाई है। जिन गोजियान को नहीं जानती थी। गोजियान उसे बताता है कि एक्चुअल में मुझे तुम्हारे बायोलॉजिकल मॉम डैड ने भेजा है। जिन को पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। गोजियान उसे उन दोनों की फोटो दिखाते हुए कहता है, ये तुम्हारे असली मॉम डैड हैं। एक्चुअल में तुम बचपन में खो गई थी, क्या हुआ था कुछ याद है? जिम बोलती है, हाँ मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। इसके बाद की लाइफ मेरी पूरी तरीके से बदल गई, मुझे अपने असली मॉम डैड याद नहीं है। गोजियान कहता है, तुम्हारे असली मॉम डैड तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहे हैं, फाइनली अब वो तुम्हें मिल गए हैं। जिम के पास जीने का कोई रीजन नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर लेना चाह रही थी। गोजियान उसे रोकता है, समझाता है, दूसरे साइड वो और मिले अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। वो तो उसकी लाइफ से निकल गई और जो जिंग की मोम का प्रॉपर्टी था वो हु को मिल गया था। ये सारी चीज़ें जब जिंग को पता चलती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। गोजियान उसे काम डाउन करते हुए कहता है, तुम्हें रिवेंज चाहिए ना, मैं तुम्हारे लिए रिवेंज ला करके दूंगा। जिंग उसे कहती है, ठीक है मैं अपने असली मोम डैड से तभी मिलने जाऊंगी जब मेरा रिवेंज हु से पूरा हो जाए। उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद कर दी, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जीने दूंगी। फिर वो प्लास्टिक सर्जरी कराती है। इस बात को करीब 3-4 महीने बीत जाते हैं। फिर सिंह अपनी नई आइडेंटिटी बना करके मरी हुई सिंह से मिलने के लिए जाती है। पर अब उसका प्लान था वो से बदला लेने का, इसलिए वो सबसे पहले स्टार्टिंग करती है वो के अपार्टमेंट में उसके सामने वाला फ्लैट लेकर के। गोजियान इन सारी चीज़ों में उसे सपोर्ट कर रहा होता है। अब वो न्यू गर्ल बन करके चली जाती है वो से मिलने के लिए। उसकी मॉम के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के गई थी। घर का दरवाजा नॉक करती है, उसकी मॉम उसे मिलने के लिए आती है। वो रिच लेडी बन के गई थी। जिन वहाँ पर उसे अपनी दूसरी आइडेंटिटी बताती है और कहती है कि एक्चुअल में वो अभी अभी नया नया शिफ्ट हुई है, ये मीटिंग गिफ्ट है। मेरे किचन का नल ख़राब हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा किससे हेल्प लेना है, क्या कोई आपके घर में है जो हेल्प कर सके? अब गिफ्ट के लालच में यहाँ पर हो कि मॉम वो को भेज रही होती है, लेकिन मिले उसे जाने से रोकती है, बट फिर भी वो चला जाता है। वहाँ पर जब वो जिंग को देखता है तो देखते रह जाता है। वो काफ़ी हॉट लग रही होती है। वो वहाँ पर उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। और अपने मॉम के कहने पर वो उसके घर चले जाता है। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं, घर काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वो को तो उम्मीद नहीं था। उसे ये लगने लगता है कि जिंग सच में काफ़ी ज़्यादा ही रिच है। वहाँ पर जिंग उसे अपने किचन का नल साफ करने के लिए बोलती है। सेट करने के चक्कर में पानी उसके ऊपर गिर जाता है, तो वो यहाँ पर आकर के उसे टॉवल देने लगती है। टॉवल देने के बहाने वो जानबूझ करके उसके करीब जा रही थी। वो तो उसे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस होते जा रहा होता है। जिंग उसे बात बात में कहती है, एक्चुअल में मैं ना अपने घर से भाग गई हूँ। मेरे डैड मुझे मेरा फैमिली बिजनेस संभालने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो अपने लाइफ में कभी किसी से प्यार भी नहीं किया, तो ना मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूँगी। वो जानबूझ करके हो को ये सारी बातें सुना रही होती है। वो को भी लगने लगता है कि वो धीरे धीरे उसे हिंट दे रही है। इसका मतलब कि जिंग उसकी अगली शिकार हो सकती है। और ऊपर से जिंग अगर इतनी ज़्यादा रिच है तब तो उसकी तो ज़िंदगी की मज़े ही मज़े होने वाले हैं। वो घर जा कर के इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है। जिंग ने घर जाने के बाद जब वो इंटरनेट पर जिंग के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो सच में बहुत ही रिच फैमिली की डॉटर है। अब तो उसे पटाना ही था। नेक्स्ट डे वो जानबूझ करके सिंह के ऑफिस के रास्ते में जाता है। सिंह भी एक्टिंग कर रही थी कि वो ओला बुक कर रही हो ही नहीं रहा, उसे स्विमिंग क्लासेस जाना। वो उसे कहते हैं, चलो मैं छोड़ देता हूँ। बाद बाद में वो उसे कहता है, काश मैं भी इतने अच्छे स्विमिंग क्लासेस में जा पाता, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं। सिंह को तो ये काफ़ी अच्छा मौका मिलता है। अगले दिन वो ऑफिस चली जाती है और अपना VIP कार्ड वो के लिए भिजवा देती है। वो को तो लग रहा था कि सिंह फुल ऑन हैंड दे रही है। वो नेक्स्ट डे से जिंग के साथ स्विमिंग क्लासेस जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिंग खुश थी कि अब जो चाह रहा है वो फर्स्ट जा रहा है, उससे लू बनाना काफ़ी आसान होगा। फिर वो गोजियान की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है, लेकिन वो लोग उसे सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि जिंग 3 सालों तक हाउसवाइफ रह चुकी है और उसने काम नहीं किया है। जिंग कहती है, तुम्हें मेरा टैलेंट देखना चाहिए, मेरा ये प्रोफेशन बैकयार्ड का नहीं। तभी वहाँ पर गोजियान आता है और वो जिंग को पर्सनली इनवाइट कर लेता है यहाँ पर जॉब करने के लिए। और ये चीज़ उस इंटरव्यू देने की कंपनी के HR को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
फर्स्ट डे जिंग लेट नाइट काम कर रही होती है, गोशियान उसका हेल्प करने के लिए आता है। जिंग का हेल्प करने के चक्कर में उसके मन में जिंग के लिए फीलिंग आने लगी थी, लेकिन वो उसे ये बात फिलहाल नहीं बता सकता है कि उसे भी पता था कि जिंग का क्या मोटिव है और ना ही जिंग उसकी फीलिंग को समझ पाती है। वो काफ़ी देर तक उसका हेल्प करता है। जब जिंग का काम हो जाता है तो फिर वो उसे अपने साथ नूडल्स खाने के लिए लेकर के जाती है, लेकिन गोशियान कहता है मुझे बाहर के नूडल्स नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। तभी यहाँ पर वो का कॉल आता है, सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा होता है। नेक्स्ट डे वो दोनों स्विमिंग क्लासेस के लिए मिलते हैं। वो तो जिंग का काफ़ी ज़्यादा बड़ाई कर रहा था कि वो काफ़ी अच्छी लग रही है। जिंग भी जान पूछ करके यहाँ पर गिरने की एक्टिंग करने लगती है। ओह, उसको पैर में मोच लग गया, उसे घर जाना पड़ेगा, वो ऐसे कंडीशन में स्विमिंग वाला कहाँ ही कर सकती है। वो उसे उठा करके घर लेके जाता है और जब ये सारी चीज़ें खुशियाँ देखते हैं तो उसे काफ़ी जलस होता है। जिंग उसे कहती है जलस होने का हक नहीं है फिलहाल तुम्हारे पास, मुझे ये सब कुछ हुओ को पटाने के लिए करना पड़ेगा। लेट नाइट जब वो घर जाता है तो मिली उसे पूछती है कि उसके नेक पर ये स्क्रैचेज कैसे हैं। जिंग ने जानबूझ करके ये स्क्रैचेज दिए थे। मेले और हो के बीच में लड़ाई होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसे धोखा दे रहा है। अब एक मिस्ट्रेस तो कुछ जल्दी ही भाप लेगी ना कि सामने वाला उसे चीट कर रहा है, वो भी तो उसे चीट करके उसके लाइफ में आई है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा लड़ झगड़ करके घर के बाहर निकल जाता है। जिंग उसे के आने का तो इंतज़ार कर रही थी। वो उसे कहती है तुम्हारे वाइफ से तुम्हारी लड़ाई हो गई, क्यों ना तुम मेरे घर चलो खाना खाने के लिए। अब सुबह तुमने मेरा हेल्प किया था तो मैं यहाँ पर तुम्हारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। वो उसके साथ खाने के लिए चले जाता है। जिंग बहाने से कहती है कि वो पहली बार खाना बना रही है, पता नहीं कैसा है, खा के बताना। वो खाता है और उसका पढ़ाई करते हुए कहते हैं कि खाना काफ़ी टेस्टी है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करके घर चले जाता है। वहाँ पर जानबूझ करके जिंग ने उसके शर्ट पर वाइन गिरा दी थी। ये देख करके मिले उस पर गुस्सा करने लगती है। वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर जिंग के साथ मिल करके फ्लर्ट कर रहा है। जिंग से वो लड़ने के लिए जाती है। जिंग यहाँ पर आकर के एक्सप्लेन करने लगती है कि सुबह से शाम तक क्या हुआ था। एक्चुअल में वो ना स्विमिंग क्लासेस गई हुई थी, उसके पैर में मोच आ गया तो वो ना उसका हेल्प किया था। अब मिले यहाँ पर वो उसे लड़ने लगती है। जिंग यही तो चाहती थी, बाहर उनका पूरा तमाशा बन रहा था। घर के अंदर चली जाती है जिंग। वहाँ पर वो खुश हो रही थी कि उसका बदला स्टेप बाय स्टेप पूरा हो रहा है। वहाँ पर उसे गुजियान का कॉल आता है। वो उसे पूछता है वो ठीक तो है ना। जिंग कहती है हाँ वो ठीक है, वो सब संभाल लेगी। अगला दिन होता है जहाँ पर के जिंग वो के लिए काफ़ी महंगा शर्ट कस्टमाइज करा के लेके जाती है। वो कहती है मैंने तुम्हारा ड्रेस ख़राब कर दिया था ना, इसीलिए मैं ये तुम्हें ड्रेस दे रही हूँ, लेकिन ये ड्रेस पहन के घर मत जाना, तुम्हारी वाइफ को वापस से डाउट होने लगेगा और वो वापस इंसल्ट करने के लिए मेरे पास आ जाएगी। और मैं ये सब कुछ नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि किसी मैरिड इंसान का मैं घर बार तोड़ूँ। और जब वो शर्ट पहन करके वो घर आता है तो मिले उसे पहचान लेती है, उस पर गुस्सा करने लगती है। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इन चक्करों में मिले को पेट में चोट भी लग जाता है, लेकिन वो इतना क्रूएल हो गया था कि वो उसे ध्यान नहीं देता है। उसे छोड़ करके वो अपार्टमेंट के क्लब में चले जाता है, जहाँ पर जिंग जानबूझ करके ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही होती है। और जब वो उसे संभालने के लिए आता है तो वो उसी पर गिर करके एक्टिंग करने लगती है नशे में होने का। तभी वहाँ पर मिली आ जाती है और वो यहाँ पर जिंग को थप्पड़ मार देती है। वो एक्ट कर रही थी कि वो उसके हस्बैंड को सीरियस कर रही है। गुजियान आता है जिंग का हेल्प करने के लिए। गुजियान को जिंग अपना भाई कहती है। मिली यहाँ पर गुजियान से कंप्लेन करने लगती है, लेकिन वो उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। घर जाने के बाद गुजियान जिंग का थप्पड़ लगातार केयर करने का कोशिश करता है तो जिंग उससे थोड़ी दूरी बना करके रखना चाहती है। गुजियान को ये चीज़ काफ़ी गुस्सा दिलाता है। तभी यहाँ पर मिले आकर के तमाशा करने लगती है और इन बातों को जिंग रिकॉर्ड कर लेती है। घर के बाहर मिले ने जिंग के बहुत सारे पेपर वगैरह चिपका दिए थे और बहुत तमाशा कर रही थी। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। मिले के खिलाफ उन्हें कंप्लेन मिला था। जिंग यहाँ पर वो पुलिस इंस्पेक्टर को रिकॉर्डिंग सुनाती है। अब यहाँ पर मिले को जेल जाना होगा। जैसे तैसे करके गुजियान हो यहाँ पर मिले की सिफारिश करता है पुलिस इंस्पेक्टर से कि जो हुआ गलती होगा एक बार माफ़ कर दीजिए, ये दोबारा जिंग को परेशान नहीं करेगी। और ये सब कुछ के चक्कर के बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें बिगड़ने लगती है। खुश होकर के जिंग अपने घर जाती है। गुजियान उसे हक करके काम ढूंढ कर आता है। वो उसे अपने घर लेकर के जाता है क्योंकि वहाँ रहना फिलहाल सेफ नहीं था। जिंग के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे तो वो उसे अपने कपड़े देते हुए कहता है आज रात के लिए तुम यही पहन लो। दोनों साथ में बैठ करके ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिंग भी काफ़ी ज़्यादा नशे में हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हक करके वहीं पर सो जाते हैं।
अगली सुबह को जेन जगता है तो जिंग के लिए कुछ अलग ही फील कर रहा था। जिंग जगने लगती है तो वो देखती है कि वो कुजैन को हक करके सो रही है, तो वो जल्दी जल्दी चेंज करने के लिए चली जाती है। अब कुजैन के पास होने से उसके दिल की धड़कने बढ़ने लगी थी। वो समझ गई थी कि वो कहीं ना कहीं कुजैन को पसंद करने लगी है, लेकिन उसे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना होगा क्योंकि उसका असली मोटिव तो रिवेंज है और कुजैन इतना अच्छा है, वो उसके लिए सही नहीं है, कुजैन किसी और को डिजर्व करता है। यही सारी चीज़ें सोच करके वो खुद को गुजियान से दूर कर रही होती है। गुजियान जिंग को अपने साथ जिम लेकर के जाता है उसे पर्सनल ट्रेनिंग देने के लिए, बॉक्सिंग सिखाने के लिए। जिंग काफ़ी गुस्से में इस पंचिंग बैग को हो समझ करके पंच कर रही थी और चोट लग जाता है गुजियान को। फिर वो उसको फर्स्ट एड करने के लिए जाती है। यहाँ पर गुजियान जब जिंग को अपनी मन की बात बताने का कोशिश करता है तो जिंग उसे रोक देती है। वो ना तो उसकी मन की बात सुनेगी और ना ही उसे गिल्ट फील होगा गुजियान को रिजेक्ट करने का। फिर वो अपने ऑफिस चली जाती है। वहाँ पर जब वो जाती है तो ये मैनेजर यहाँ पर गुजियान के साथ जिंग के कुछ फ़ोटोज़ को लेकर के उसे ब्लेम कर रही थी, उसे क्रिटिसाइज कर रही थी कि वो तो बस कंपनी के बॉस को सड्यूस करना चाहती है। जिंग के फ़ोटोज़ देख करके शौक थी कि कौन इनके ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। तभी वहाँ पर आ रही आवाज़ों को सुन करके गुजियान आ जाता है। वो फ़ोटोज़ देख करके वो कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोगों के पास काफ़ी फालतू टाइम हो गया है, तो तुम लोग आज से ओवर टाइम करोगे। और रही बात ये फ़ोटो की, तो ये सच है, सबके सामने एक्सेप्ट करने वाला था कि वो जिंग को हाथ से पटाने का कोशिश करेगा, उसे परसू करेगा, लेकिन जिंग वहाँ से भाग जाती है। गुजियान उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए जाता है और कहता है वो उसे एक मौका क्यों नहीं दे रही है। जिंग कहती है कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, तुम बहुत सही इंसान हो, तुम्हें कोई और चाहिए। तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है। अब सिर्फ गुजियान को इग्नोर करने के लिए वो हुआ से काफ़ी अच्छे से बात करती है और उसे वहाँ से अपने साथ लंच डेट के लिए लेकर के जाती है। ये देख करके गुजियान को काफ़ी जेलस होता है, भला वो उन दोनों को साथ में कैसे बर्दाश्त कर सकता था। हुआ को तो लग रहा था कि शायद जिंग उससे प्यार करने लगी है, वो यहाँ पर उसके साथ रोमांस करने के इरादे में था। जिंग के भी अलग ही प्लान थे, वो यहाँ पर कहती है चलो किसी होटल रूम में चलते हैं, तो वो उसे अपने साथ एक होटल रूम में लेकर के जाता है। इससे पहले कि वो उसे किस करता, वो उसे कहती है कि क्यों ना पहले हम लोग वाइन पी के शुरुआत करें। अब वो भी फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। जिंग यहाँ पर होटल से वाइन मंगा लेती है, वाइन में कुछ नींद का दवा मिला देती है। ये सब कुछ उसका प्लान था। फिर जब फ्रेशन अप हो करके वो बाहर आता है तो वो उसे वो वाइन पीने के लिए देती है। वाइन पीते ही वो उसके साथ रोमांस नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ इससे पहले जिंग ने काफ़ी कुछ फ़ोटो ज़रूर क्लिक कर लिए थे और फिर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिंग अपना प्लान चलती है। वो यहाँ पर मिली को कॉल करके बोल देती है कि उसका हस्बैंड इस होटल में है। अब जब मिली यहाँ पर आती है तो वो गुस्से में उसके जगाने के लिए टांगों के बीच में मार देती है। जैसे ही वो जगता है वो उसे धक्का दे देता है। उसकी पेट में काफ़ी देर दर्द होने लगता है। सब जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। वहाँ पर उसकी मॉम को दो बैड न्यूज़ मिलता है, पहला कि मिली का बेबी इस दुनिया में नहीं है और दूसरा कि वो अब कभी बाप नहीं बन सकता है। अब ये सब कुछ मिली के वजह से ही हुआ था, अगर मिली ने इतने ज़ोर से वो को नहीं मारा होता तो उसके साथ ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, वो खुद ही बेहोश हो जाती है। ये सारी बातें सुन करके जिंग गोश हो रही थी कि शायद उसने अपने बच्चे का बदला ले लिया। यहाँ पर उसे गुजियान का कॉल आता है कि उसका प्लान कितना आगे तक बढ़ा है। जिंग कहती है सब ठीक है। तभी फ़ोन पर बात करते करते गुजियान का एक्सीडेंट हो जाता है, वो परेशान हो जाती है। जल्दी जल्दी वो गुजियान से मिलने के लिए जाती है, देखती है वो अब भी काम कर रहा है। गुजियान पर वो गुस्सा करते हुए कहती है तुम पागल हो क्या, तुम्हें फीवर है, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाने जा रहे हो। गुजियान उसे कहते हैं तुम किस शख से मुझे डांट रहे हो डॉक्टर को दिखाने के लिए, या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। जिंग कहती है हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ज़्यादा बेहतर है। तुम मेरे लिए एक बड़े भाई बन करके रहो, एक अच्छे दोस्त बन करके रहो, वही सही रहेगा, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ भी ऑफर नहीं कर सकती हूँ। मैं ऑलरेडी मैरिड थी, मैंने अपना बेबी खोया है और मेरी जैसे लड़की तुम डिजर्व नहीं करते हो, तुम्हें दूसरी कोई मिल जाएगी। गुजियान उसे कहता है मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और हमेशा तुमसे प्यार करते रहूँगा, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक कि तुम अपना डिसीजन ना बदल लो। जिंग इसकी ये बात सुन करके गुस्सा करके गुजियान के घर से बाहर निकल, थोड़ी देर बाद वो गुजियान के लिए सूप बना करके उसके सेक्रेटरी के थ्रू भेज रही होती है, लेकिन उसका सेक्रेटरी कहता है कि अगर वो खुद ही गुजियान का ख्याल रखेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। इधर दूसरे साइड वो हॉस्पिटल में था, उसकी मॉम मिली पर गुस्सा कर रही थी, उसके बेटे की जो कंडीशन है उसकी वजह से हुई है।
तभी वहां पर गुस्से में हो भी आता है। मैडम से कहती है कि तुम लोग दोनों पागल हो गए, तुम्हें क्या लगता है ये कॉन्सिडेंट है कि जिंक के गायब होते ही ये रिस लड़की तुम्हारे लाइफ में आ गई, तुम्हारे में इतना स्पेशल ही क्या है कि इतने रिस लड़की को तुमसे प्यार होगा। अब चलो वो आ ही गई है तो उसका थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए, उसे पैसा लेने से मतलब है ना, बहुत सारे पैसे निकलवाए जाए। अब जिंक इनकी बातों को सुन रही होती है, वह समझ जाती है कि अब प्लान का क्लाइमेक्स लाने का अंधेरी आ गया है। ऑफिस आती है, उसे हुआ का कॉल आता है, वो उसे कहते हैं कि उससे मिलना चाह रहा है। जिंक इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो उसे कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मिले ने मुझसे कहा है कि वो मुझे डिवोर्स तभी देंगे जब मैं उसे 50 मिलियन देने वाला हूँ। जिंक तो मन में सोचती है कि हाँ बेटा मुझे तो सभी पता है तुम्हें 50 मिलियन क्यों चाहिए। वो उसे कहती है देखो ऐसा है, मैं तो खुद ही घर छोड़ के आई हूँ, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपने भाई से इस बारे में बात कर सकती हूँ। वो एक दिन उससे समय लेना चाह रही थी, इस बात के लिए हुआ तैयार हो जाता है कि ठीक है वो अपने भाई से इस बारे में बात करे, और अगर ये बेकौफी देख करके वो मिले से अलग हो जाएगा तो फिर वो जिंक को प्रपोज करेगा और फिर दोनों शादी करके हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे। जिन भी उसे यही लालच दिखाती है कि हाँ हाँ बिल्कुल वो भी तो यही चाह रही है। यहाँ से निकल करके वो घर जाता है, मेले उसे पूछती है तो काम बना, वो कहते हैं हाँ काम तो बना है लेकिन जिंक पता नहीं पैसे देगी या नहीं। जिंक उसे कॉल करके कहती है उसका भाई उसे पैसा देने से मना कर दिया है, उसने गोजियन से ये बात पूछा भी नहीं था। अगला दिन आता है, जिंक ऑफिस में जाती है, वहाँ पर जो ऑफिस के कुछ लोग थे वो लोग यहाँ पर जिंक को लेकर के आपस में पिचिंग कर रहे होते हैं। भोजन और जिंक के बारे में काफ़ी कुछ बातें फैल रही थी, तभी यहाँ पर मिले आ रही है, बस सबको कहने लगती है कि जिंक ने यहाँ पर वो को सेड्यूस किया है और उसके पास इस बात का प्रूफ भी है। जिंग यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड ऑन करके कैसे भी करके मिले को प्रोवोक करती है और वो ये बात एक्सेप्ट करवा लेती है कि वो ने किसी का मर्डर किया है। गुस्से में आकर के वो कुछ इस तरीके से पानी फेंकती है तो क्वेश्चन बीच में आ जाता है। वो उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है, प्रूफ के नाम पे उसका फ़ोन ही था तो वो उससे फ़ोन ले लेता है और वो उसे 10 लाख रुपये देता है, जाओ जाकर के ऐसे हज़ारों फ़ोन खरीदते रहो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पर जब सारे लोग ऑफिस में ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि जिंक को इतना ज़्यादा गुजियन क्यों सपोर्ट कर रहा है, तो वो सबसे कह देता है क्योंकि वो जिंक को पसंद करता है, इसी वजह से अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होती है और वो बेहोश हो जाता है। जिंक को किस करने के बाद वो जल्दी जल्दी उसे घर लेकर के जाते हैं। डॉक्टर जिंक को डांटते हुए कहते हैं इसके घाव पर गंदा पानी चला गया है, इसके एक्स्ट्रा केयर करने के लिए। अब जिंक यहाँ पर वो से बदला लेने के लिए उसके ऑफिस में कंप्लेन कर देती है कि वो ब्राइबरी कर रही है। जिंक को उसके सेक्रेटरी बताता है कि गुजियन के सिस्टर को जाने के बाद वो कभी भी हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करता है, जिंक यहीं पर घर पर रह करके गुजियन का केयर कर रही होती है। इधर हो के ऑफिस में फुल ऑन तमाशा चल रहा था, उसका बॉस उस पर ब्राइबरी का केस कर देता है। वो यहाँ पर उसे समझाने का कोशिश करता है कि जिंक तो उसे गिफ्ट दे रही थी, उसने कोई ब्राइब नहीं लिया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है। पुलिस यहाँ पर फिलहाल हुओ को पकड़ के लेके जाते हैं। वो बार बार जिंक को कॉल कर रहा था, जिंक को पता था कि वो उसे किस लिए कॉल कर रहा है, इसीलिए वो उसका फ़ोन ही नहीं उठाती है। इधर गुजियन को काफ़ी देर बाद होश आता है, जिंक उसका ख्याल रखते रखते सो गई थी। जब वो जगता है तो दोनों के बीच थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। फिर जिंक उसके लिए सूप बनाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर उसे बार बार वो को कॉल आ रहा था तो गुजियन उसे कहता है ये तुम्हें इतनी बार क्यों कॉल कर रहा है, तो वो उसे कहती है क्योंकि वो जेल में है, मैंने ही उसे जेल भेजा था, इसी वजह से वो यहाँ पर आ रहा है बार बार कॉल करके। वो उससे पूछता है कि क्या वो जानना चाहेगी, जिंक कहती है हाँ अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। फिर वो जेल में वहाँ पर उससे मिलने के लिए जाती है, हुओ को पुलिस इंस्पेक्टर के थ्रू बचा करके वो जेल से बाहर निकालती है। अब उसके पास मौका था, वो यहाँ पर हुओ को कहती है कि एक्चुअल में मिली ने ये सब कुछ किया है, वो मेरे ऑफिस में आकर के तमाशा कर रही थी कि तुमने शायद किसी का मर्डर किया है। अब यहाँ पर हुओ को लगने लगता है कि जिंक सच कह रही है, क्योंकि ये बात तो केवल उसे और मिली को ही पता है। फिर ये बात जिंक को कैसे पता चला, वो को जॉब से निकाल दिया जाता है। जिंक कहती है कि वो अपने भाई से बात करेगी ताकि वो उसे उसकी कंपनी में जॉब दिला सके। वो इस चीज़ के लिए खुश हो जाता है, लेकिन वो अब भी पूरी तरीके से जिंक के साथ नहीं था और ये बात जिंक को अच्छे से पता था, वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। घर पर जब वो जाती है तो गुजियन अभी भी बीमार होने की एक्टिंग कर रहा होता है ताकि जिंक उसका केयर करे। जिंक यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेके आई थी ताकि वो गुजियन के लिए खाना बना सके। खाना बना करके जब वो लोग
खाने के लिए जाते हैं तो गुजियन उसे अपने हाथों से खिलाने के लिए बोलता है। जिंगी सबको समझ रही थी कि उसका फलून ये ड्रामा है, लेकिन वो खुद अब गुजियन का ख्याल रखना चाहती थी, इसी वजह से जो वो कह रहा था वो कर रही होती है। इधर हम लोग देखते हैं कि वो और मिले आपस में बात कर रहे होते हैं कि जिंग का क्या करना है। तभी वो अपने जिंग उसे कॉल करती है और कहती है कि वो उसे डायरेक्ट पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन उसके भाई की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकती है जिसमें कि उसका 100 मिलियन का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन शुरुआत में 5 मिलियन लगाना पड़ेगा। मिली हुआ को कहती है कि कोई बात नहीं, ये घर बेच करके कैसे भी पैसों का इंतजाम करो, फिर हम लोग माला माल हो जाएंगे। वो ऐसा ही करता है, घर भेज देता है, 5 मिलियन का इंतजाम करता है। नेक्स्ट डे वो जिंग से मिलने के लिए जाता है। वो लोग क्लब में जाते हैं जिंग गुजियन के साथ वहाँ पर आए हुए थे। मिली आकर के ड्रामा करने लगती है, लेकिन जिंग यहाँ पर उसे काम डाउन होने के लिए कहती है क्योंकि बात पैसों की थी और अब बारी थी मिली को फंसाने की, तो वो उसे किसी और इंसान के साथ फ्रेम कर दे रही है। जब ये चीज़ हुआ देखता है तो वो मिली पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है कि वो उसे धोखा कैसे दे सकती है। मिली उसे कहती है मैंने कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन गुस्से में आकर के वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। गुजियन और जिंग का प्लान अप्रोक्स कम्प्लीट ही होने वाला था, बस कुछ दिन का और बात है। वो वापस आता है और वो गुजियन के साथ यहाँ पर डील से पहले वाले पेपर्स साइन कर देता है कि उसे 5 मिलियन उसे देना पड़ेगा। अब ये 5 मिलियन वो की लास्ट सेविंग थी, वो तो खुश था उसे जल्दी ही पैसे मिलने वाले हैं। तभी यहाँ पर मिले आकर के तमाशा करने लगती है तो उसे धोखा दे रहा है। इन सब चक्करों में वो कुछ इंसर्ट हो जाता है, उसे चोट लग जाता है। मिली वहाँ से फरार हो जाती है उसे छोड़ करके। अब जिंग यहाँ पर जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करती है क्योंकि अगर वो मर गया तो फिर उसका बदला कैसे पूरा होगा, उसे तो जिंदा रह करके उसे बदला लेना है। इसी वजह से वह एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। एम्बुलेंस वो को लेकर के जाती है। जिंग भी हॉस्पिटल जाना चाहती थी लेकिन गुजियन उसे रोक देता है ये कहते हुए कि नहीं तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। इधर मिली जेल में थी कल जो कुछ भी हुआ उस वजह से, लेकिन जानबूझ करके यहाँ पर जिंग उसे जेल से बाहर निकलवा देती है। बाहर जाने पर वह जिंग बन करके उसे कॉल करती है और डरा रही होती है कि वह जिंदा है। मिली यहाँ पर सच में डर जाती है क्योंकि कहीं वो बच तो नहीं गई, क्योंकि डेड बॉडी तो उसकी मिली नहीं थी। नेक्स्ट डे वो यहाँ पर बिल्कुल सही चल रहा होता है। जिंग उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रही होती है, उसे खिसक खुश करने के लिए बहुत सारे पैसे वगैरह भी दे रही होती है, महंगे महंगे ड्रेसेस दे रही है ताकि वो उसके जाल में पूरी तरीके से फंस जाए। घर पर जाने से पहले यहाँ पर सारे लोग हो के काफ़ी बुराई करने लगते हैं कि उसने उसकी अपनी वाइफ को मारा है, लेकिन वो यहाँ पर जिंग के सामने एक्सप्लेन करता है कि ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअल में उसके और उसकी वाइफ के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, वो तो पहाड़ी से गिर गई थी, वो उसे बहुत ढूंढा लेकिन उसकी डेड बॉडी ही नहीं मिली। जिंग उसे कहती है लेकिन मिली तो कुछ और ही कह रही होती है। अब वो मिले को पूरी तरीके से वो से अलग कर देना चाह रही थी और वो उससे अलग भी रह रही होती है, लेकिन वो दोनों बदमाश थे, इतनी आसानी से उनकी दोस्ती टूटने नहीं वाली थी। तो जब यहाँ पर वो मिले से मिलने के लिए जाता है दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वो उसे नहीं मारती है। अभी उसे पैसा बहुत सारा निकालना बाकी था। नेक्स्ट डे यहाँ पर रिंग बिजनेसमैन के आने का वेट कर रही होती है, लेकिन हो को नहीं क्योंकि डील तो उसे एक्चुअल में करनी नहीं थी, उसे तो बस उसके 5 मिलियन निकलवाने थे। वो गुजियन को हक कर लेती है तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर सारे बड़े बिजनेसमैन आते हैं और वो दोनों यहाँ पर डील साइन कर लेते हैं। वो को इस तरीके से मिले ने बांध करके रखा था क्योंकि वो उसे हर्ट करने के लिए आया था। मिले उसे दिखाती है कि जंग तुम्हारा काट रही है, वो तो तुम्हारे साथ कभी डील साइन ही नहीं करना चाहती थी, उसकी कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ डील साइन कर लिया। जब भी वो देखता है तो वह समझ जाता है। तभी वहाँ पर गुजियन जिंग के साथ आ जाती है और अब उसे अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसके सामने कह देती है एक्चुअल में वो उसकी एक्स वाइफ जिंग है, वो प्लास्टिक सर्जरी करा करके यहाँ पर आई हुई है और वो अब जेल जाने वाला है, उसने उसका मर्डर किया था और वो कंपनी के साथ भी फ्रॉड कर रहा है, उसके पास हर चीज़ का प्रूफ है, उससे आजीवन कारावास होने वाला है। वो तो गया बेटा, और साथ ही में यहाँ पर मिली को भी जेल होने वाला है, उसने भी क्राइम में हेल्प जो किया था। अब वो समझ जाता है वो खुद को यहाँ से नहीं बचा सकता था, खुद को सेव करने के लिए जैसे जैसे स्टेयर्स से भाग रहा होता है तो नीचे गिर जाता है, उसके सर में चोट लग जाता है। वो तो गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर जवाब दे देते हैं वो कभी होश में नहीं आने वाला, बस जब भी रहेगा पूरी ज़िंदगी अब कोमा में ही रहेगा। अब उसकी मम के पास कुछ नहीं था। यहाँ पर वो को देखने के लिए मिली आती है, मिली के साथ वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। अब वो इस कंडीशन में था उसे जेल तो नहीं भेज सकते थे, लेकिन हाँ मिले तो जेल जा सकती थी ना, क्राइम करने वाले के साथ साथ क्राइम में सपोर्ट करने वाला भी दोषी ही होता है।
अचानक से वो दोनों उनकी लाइफ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जेंको जो कि अपने घर में जाती है। फाइनली वो घर जो उसकी मॉम का था वो ने धोखे से उसे छीन लिया था। यहाँ पर फ्लैशबैक में उसे उसकी सारी बैड मेमोरी ही याद आ रही होती है, लेकिन घर तो घर होता है, वो इस घर का कुछ नहीं कर सकती थी। जब उसका रिवेंज कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो अपने असली मॉम डैड से मिलने के लिए जाती है। उसके असली मॉम डैड उससे मिल करके काफ़ी खुश थे। साथ ही में गोजियन की फैमिली भी आई हुई थी। गोजियन यहाँ पर सबसे कहता है कि वो जिंग से शादी करना चाहता है, लेकिन जिंग उसे मना कर देती है। उसकी मॉम उसे रीजन पूछती है तो वो बताती है कि वो पहले ही हुआ से मैरिड थी और शायद ही वो दोबारा कभी बेबी कर पाएगी। इसी वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो गोजियन के लायक नहीं है, गोजियन को कोई और लड़के मिलने चाहिए। ये सारी बातें गोजियन की मॉम सुन लेती है। उसे कहती है तुम्हारे पास में क्या हुआ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वैसे भी तुम विक्टिम थी, तुमने गलत किया नहीं है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है और जो गलत किया है उसे तो सजा मिल रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गुजियन से तुम्हारे शादी करने में। तो फाइनली जेम को लगता है कि फाइनली इनकी फैमिली जब सपोर्टिव है तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है। गुजियन को पसंद तो वो कहती थी करती थी, तो फिर ये यहाँ पर गुजियन के प्रपोजल को हाँ कह देती है और वो दोनों अब साथ हो जाते हैं, दोनों शादी वादी कर लेते हैं। फाइनली कुछ महीनों बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर जेंग फाइनली गुजियन को बेबी को ले करके प्रेग्नेंट होती है और इसी गुड न्यूज़ के साथ हमारा ये ड्रामा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।